कंज्यूमर न्यूज से मैं हूं शाहिन सिद्दीकी और आज हम मौजूद हैं यहां पे 73 में वाके हीरा पार्क में। तो आइए अंदर चल के मालूमात लेते हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से भी हमें कुछ बताइएगा कि आगे आने वाले वक्तों में आपका क्या इरादा है। और ख़ास तौर पे मेरा एक सवाल आपसे कि यहाँ जो जगह जगह पे डॉग घूम रहे होते हैं, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, पार्क में भी हर जगह डॉग देखने को मिलते हैं और अक्सर बेशतर बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं कि ऐसा ना हो कि वो बच्चे खेल रहे हैं और वो डॉग उनको काट ले, तो इस बारे में आप कुछ करेंगे आगे आने वाले वक्तों में, कुछ सोचा है आपने? बिस्मिल्लाह। हमने इसके ऊपर मुहिम चलाई थी, जब मैं सबका काउंसलर था तो हमें मेडिसिन मिला करती थी, तो इसके बाद ये मेडिसिन बंद हो गई, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन बंद हो गई। अब हमारा इरादा, इस वक्त तकरीबन 400-500 कुत्ते जो हैं इलाके में मौजूद हैं और कई दोस्त बता चुके हैं कि उन किसी की वाइफ को, किसी के बच्चे को और उनके पीछे रात में काटते हैं और वो फिर उनको अब्बासी ले जाते हैं, वहाँ भी मेडिसिन दस्तियाब नहीं है उनके जो इंजेक्शन्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह इस पर कोशिश करेंगे और सिंध गवर्नमेंट से खुसूसन अपील करते हैं कि वो इस चैप्टर पे काम करें और हेल्थ वाले जो लोग हैं वो उनको फ़ंड दिया जाए, ताकि वो अक्सर ये शिकायत करें हमारा फ़ंड नहीं है, जिसकी वजह से हम ये डंपिंग का काम नहीं कर सकते। बाकी यहाँ मसाइल बहुत हैं और हमारे आसपास जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ग्राउंड्स हैं, लेकिन उनकी जो हालत है वो सबको पता है कराची के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि नए आने वाले जो लोग भी हैं और जो भी मेयरशिप आएगी वो हमारे कराची के हवाले से भरपूर तरीके से वो इस कराची को दोबारा निखारेगी। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हम लोग आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं जमात इस्लामी की कामयाबी पे। और उसके बाद हम आपसे ये एक सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम धरम भरम हुआ हुआ है और ये इकरा यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, यहाँ आने वाले तालबात को और बहुत सारे लोगों को जो कि यहाँ से जिनका गुज़र होता है वो सीवरेज की वजह से उनके कपड़े वगैरह नापाक हो जाते हैं, तो उस हवाले से आप क्या इंतज़ाम करने के बारे में सोच रहे हैं, ज़रा बताइएगा थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सीवरेज का, जैसे आपने प्रोग्राम अटेंड किया है, इलाके लोगों ने भी जो है इस बात की तरफ निशानदेही करी है, हमारे जो है प्रोग्राम में ये बात पहले से शामिल है और हम इसको परसू कर रहे हैं। आपने ख़ास तौर पे इकरा यूनिवर्सिटी का जो जिक्र किया है उसमें बेसिकली सीवरेज का सिस्टम मुतासर नहीं है, होता ये है कि वहाँ पे दो तीन बड़ी लीकेज हैं पानी की, जब पानी चलता है पीने का तो वो रोड जो है नहर की शक्ल इख्तियार कर लेती है और सीवरेज को भी डिस्टर्ब करती है, तमाम गटर जो है वो उबलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि सीवरेज सिस्टम ख़राब है। वहाँ पे पानी की जो है ना बड़ी बड़ी लीकेज हैं, वो हमारी नज़र में है और हम उसको परसू कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं और वाटर बोर्ड का जो एक्शन है उसको हमने ये नोट कराया हुआ है कि इन लीकेज को सही कराएं। जब वो लीकेज सही होगी तो यकीनन इकरा यूनिवर्सिटी का जो ये रूट है ये सही होगा। इसके अलावा भी हमारे ये जहन में है, जो आपने बहुत अच्छी निशानदेही करी है, हमारी बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे उस रोड के ऊपर आते हैं और वो गुज़रगाह कब्रिस्तान का दूसरा गेट लगता है, वहाँ से जो है मैयतें आती हैं, तो वो एक, हालांकि वो मेरी यूसी में नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये भी एक निशानदेही कर दूं, वो शुमाली नाज़माबाद में आता है, शुमाली नॉर्थ नाज़माबाद, वो जो टाउन है वो नई कराची टाउन है, मेरा नॉर्थ नाज़माबाद टाउन है, वो रोड भी उतर ही जाती है, लेकिन इससे क़त नज़र के वो कहाँ हैं, वो मेरे इलाके का मत्था है, मेरे इलाके की जो है वो शक्ल है, मुझे उसको सही करना है और उसके लिए इंशाल्लाह उसके ऊपर सफाई का भी जद्दोजहद करेंगे और उसकी वो जो लीकेज जब ख़त्म हो जाएगी तो ये जो आप मसला बयान कर रही हैं ये इंशाल्लाह नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जो है ये सीवरेज का है, वैसे ये बात समझ लें कि वाटर सीवरेज बोर्ड ये एक बोर्ड है और ये हमारे अंडर में नहीं है, बल्दिया के अंडर में नहीं है। हमने 29 दिन का जो धरना दिया था उसमें इस बात को शामिल करने की कोशिश कराई थी कि इसका जो चेयरमैन हमारा बने वो मेयर बने, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, वाटर बोर्ड के चेयरमैन जो है हमारे मेयर बन जाते हैं, कतई नज़र वो कोई भी हो, हमारा जमात इस्लामी का मेयर आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हम उसको
बहुत अच्छी तरीके से लगाम दे सकते हैं, हमारे को मसाइल पता है और हमें मसला कैसे हल करना है ये भी पता है। तो इंशाल्लाह ताला अगर वो मेयर बने या ना बने और चेयरमैन हमारे पास आए ना आए, हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में हैं कि वाटर सर्विस बोर्ड के मसाइल को भी टैकल करेंगे और ये मसले भी इंशाल्लाह हल होंगे और हल होना शुरू हो गए। ओके, थैंक यू सर जी। तो ये था हीरा पार्क का अहवाल, जहाँ पर आज इस्तकबालिया दिया गया है। और कंज्यूमर न्यूज़ से मैं हूँ ब्यूरो चीफ शाहीन सिद्दीकी, और देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा।